स्टूडेंट्स ये रिलेशन फंक्शन का सेकेंड लेक्चर है इसमें आप क्वेश्चन सेकेंड है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए सेमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज ना इधर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव ओके तो सोल्यूशन में हम देखेंगे दैट इज सेट यहाँ दिया हुआ है रियल नंबर दैट इज सेट आर है अब नो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हम देखेंगे ओके okay, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है उसके लिए अब आर का एक एलिमेंट ले लिया लेट वन बाई टू ले लिया वन बाई टू बिलोंग्स टू आर अब ये देखेंगे कि आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा तो इससे रिफ्लेक्सिव के लिए जो अब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे इसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट दोनों सेम होना चाहिए ये जो है ना आर का एलिमेंट नहीं होगा क्योंकि ये आर के कंडीशन दैट इज़ ए b बी आर का तभी एलिमेंट होगा जब ए इज़ लेस इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए बट यहाँ वन 2 टू इज नॉट लेस देन इज नॉट लेस देन दैट इज वन बाई टू का स्क्वायर ओके okay, ये चूंकि ये वन बाई टू हो गया और ये वन बाय फोर है तो वन बाई टू वन बाई फोर के से लेस देन नहीं है इसलिए ये आर के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए हम कहेंगे हेयर आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सेम वैसे फोर सिमेट्रिक लेंगे अच्छा इस केस में देखिएगा रियल नंबर का हरेक के एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तभी जा करके रिलेक्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ये ओके अगर आप ये ले लेंगे टू कॉमा टू तो इस केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा लेकिन वही फ्रैक्शन में लेंगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसलिए कहेंगे एक भी अगर एग्जाम्पल ऐसा दे देंगे जो कि उस आर के रिलेशन के कंडीशन को रिलेशन आर के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा अब सिमिलरली फोर सिमेट्रिक के लिए आप देखेंगे फोर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम एक ऑर्डर पेयर लेंगे जो कि आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो यह कहेंगे वन कॉमा टू बिलोंग्स टू आर सिंस वन इज लेस देन और इक्वल टू वन टू का स्क्वायर ये ट्रू है ओके okay? अब यहाँ लिखेंगे बट अब इसी के एलिमेंट को जब हम इंटरचेंज कर देंगे टू कॉमा वन इज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा सिंस दैट इज टू इज नॉट लेस देन नॉट लेस देन वन का स्क्वायर के कल होगा ओके देयर फोर हम ये कहेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन ओके अब नो फोर ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे फोर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए दैट इज एवली दो एलिमेंट लेंगे जो कि ए कोमा बी और बी कोमा सी के फॉर्म में हो, और दोनों ऑर्डर पेयर जो है ना आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो तो यहाँ लिखेंगलेट एट कॉमा थ्री बिलोंग्स टू आर ओके एंड ये एट कॉमा थ्री आर का एलिमेंट होगा चूँकि एट इज लेस देन और इक्वल टू थ्री स्क्वायर हो जाएगा ओके एंड थ्री कॉमा टू ऑल्सो बिलोंग टू आर होगा सिंस थ्री इज लेस देन और इक्वल टू टू का स्क्वायर दोनों केस में ये ट्रू है बट अब इससे जो एलिमेंट बन रहा है वो एट कॉमा टू डज नॉट बिलोंग टू आर होगा सिंस एट इज नॉट लेस देन और इक्वल टू आपका टू के स्क्वायर के इक्वल है इसलिए ये कंडीशन ट्रांजिटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा <laughs> है इसलिए हम कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन थर्ड क्वेश्चन है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट दिस एज आर इजकल टू सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों टाइप के रिलेशन के लिए हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं तो सोल्यूशन ओके थ्री में लेट सेट ए कह दिया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ गया ओके अब यहाँ जो आर को डिफाइन किया है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सज दे बी इज इक्वल टू ए प्लस वन आ गया अब अगर यहाँ पर हम ए के लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ले ला यानी आर यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ उसे हमने लिख लिया आपका रोस्टर फॉर्म में लिख लिया ओके रोस्टर फॉर्म में, में लिख लेंगे अब यहाँ से देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ओके दैट इज वन बिलोंग्स टू ए बट वन कॉमा वन ये आर में प्रजेंट नहीं है ओके बट वन कामा वन डज नॉट बिलोंग टू आर दे आर फोर हम ये कहेंगे आर इज नॉट रिफ्लैक्सिव ओके आर इज नॉट रिफ्लैक्सिव सेम वैसा हम ये करेंगे फोर सीमेट्रिक रिलेशन के लिए तो सीमेट्रिक के रिलेशन के लिए कोई एक एलिमेंट ले लिया आर का देट इज़ वन कामा टू जो कि आर में प्रजेंट हो वन कामा टू बिलोंग्स टू आर बट टू कामा वन टू कॉमा वन डज नॉट बिलोंग टू आर ये आर्मी प्रजेंट नहीं है चूँकि सीमेट्रिक के लिए ए कॉमा बी अगर आर्मी है तो बी कोमा ए आर्मी होना चाहिए ओके देयर फोर कहेंगे आर इज़ देअर फोर हम कहेंगे आर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन अब नौ फोर ट्रांजिटिव के लिए हम देखेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं इसके लिए दो एलिमेंट लेंगे ए कोमा बी और बी कोमा सी के फॉर्म में जो कि आर की कंडीशन को आर में प्रेजेंट हो तो एक एलिमेंट ले लिया वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर एंड टू कोमा थ्री बिलोंग्स टू आर बट वन कोमा थ्री डज नॉट बिलोंग टू आर ये आर में प्रजेंट नहीं है इसलिए हम कहेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ओके फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे शो दैट द रिलेशन आर इज इन शो दैट द रिलेशन आर इन आर आर जो यहाँ लिया सेट रियल नंबर लिया डिफाइंड एज आर इज इक्वल पेयर ए कोमा बी सच देट ए इज लेस देन बी इज रिफ्लैक्सिव लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक ओके अब इसका देखते हैं सोल्यूशन फोर में आ जाएगा दैट इज सेट दिया हो आपका रियल नंबर दिया हो दैट इज आर अब रिलेशन जो डिफाइन किया सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच देट ए इज लेस देन इक्वल टू बी दे दिया है ओके नौ फोर रिफ्लेक्सिव फिर रिफ्लैक्सिव के लिए हम अब रियल नंबर में से कोई एक एलिमेंट ले लिया दैट इज उसको कह दिया एक्स तो लेट एक्स बिलोंग्स टू आर अब यहाँ देखेंगे एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा या नहीं होगा तो so, एक्स कोमा एक्स के लिए हम कहेंगे एक्स इज कोई भी रियल नंबर वो इक्वल होता is true. True है खुद से ओके सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स होगा विच इज़ ट्रू ये ट्रू है ओके चूँकि इक्वलिटी का कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है देआर फोर कहेंगे आर इज रिफ्लेक्सिव ओके अब फोर सिमेट्रिक के लिए आप देखेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है तो हमें एग्जाम्पल ले लिया वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर चूँकि ये आर के कंडीशन को सेटिसफाई कर रहा है सिंस वन इज लेस देन और इक्वल टू टू ये ट्रू है इसके लिए बट टू कोमा वन पर हम चेक करेंगे कि ये आर का एलिमेंट है या नहीं टू कोमा वन डज नॉट बिलोंग बट टू कोमा टू कोमा वन डज नॉट बिलोंग टू आर टू इज नॉट लेस देन और इक्वल टू वन आ जाएगा टू इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू ये वन आ जाएगा ये अब आर सीमेट्रिक के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है देयर फोर हम ये कहेंगे आर इज नॉट सीमेट्रिक रिलेशन अपना फोर ट्रांजिटिव के लिए हम देखेंगे लेट okay. ट्रांजिटिव के लिए है तो हम उसके लिए एग्जाम्पल नहीं देंगे हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कमा सी बिलोंग्स टू आर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए इज लेस देन बी हो जाएगा दैट इज कंडीशन वन का दिया एंड बी कौ सी बिलोंग्स टू आर तो बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी आ जाएगा कंडीशन टू का दिया फ्रॉम वन एंड टू से हम ये कह सकते हैं इफ़ ए इज लेस देन बी एंड बी इज लेसेंट सी तो डेफिनेटली ए इज लेस देन सी आ जाएगा अब ए इज लेर फोर हम कहेंगे ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर बी आर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ओके okay. देरफोर आप कहेंगे आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन आ जाएगा ओके अब क्वेश्चन फिफ्थ हम देखेंगे दैट इज चेक वेदर द रिलेशन चेक वेदर द रिलेशन ओके चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर रियल नंबर डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कमा बी सच देट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सीमेट्रिक और ट्रांसिटिव ओके अब इस यहाँ देखेंगे सोल्यूशन फाइव में देखेंगे सेट दिया हो real number और यहाँ रियल नंबर और रिलेशन जो डिफाइन किया और ऑल ऑर्डर पेयर ए कोमा बी सच देट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब अब हम रिफ्लेक्शिव के लिए हम यहाँ चेक करेंगे ओके okay, रिफ्लैक्सिव तो यहाँ कहेंगे लेट वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर को एक रियल नंबर ले लिया वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर अब इससे ऑर्डर पेयर बनेगा सेम एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट दोनों सेम होगा हम ये कहेंगे डज नॉट बिलोंग टू आर होगा ये डज नॉट बिलोंग टू आर हो जाएगा क्योंकि ये वन बाई टू सिंस वन बाय टू इज नॉट लेस देन और इक्वल टू वन बाय टू का क्यूब आ जाएगा वन बाय टू का क्यूब आ जाएगा ओके okay, ये नॉट लेस देन सो ये वन कॉमा वन वन अपॉन्ट टू कॉमा वन अपॉइन टू ये आर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो इसके बेसिस पर हम कहेंगे के रिलेशन देट इज़ आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव सिमिलरली फोर सीमेट्रिक के लिए आप देखेंगे दैट इज़ यहाँ ले लेंगे वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर सिंस वन इज लेस देन इक्वल टू टू का क्यूब यह ट्रू हो गया बट टू कॉमा वन डज नॉट बिलोंग टू आर होगा सिंस देट इज सिंस टू इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू वन क्यूब आ जाएगा टू इज नॉट लेस देन सो यहाँ पर सीमेट्रिक का कंडीशन सेटिसफाई नहीं हो रहा इसलिए कहेंगे आर इज नॉट सीमेट्रिक ओके अब नो फोर्थ ट्रांजिटिव के लिए लेंगे ओके okay? ट्रांजिटिव के लिए आप देखेंगे तो एक एग्जाम्पल ले लिया ट्वेंटी फाइव कामा थ्री बिलोंग्स टू आर होगा सिंस ट्वेंटी फाइव इज लेस देन और इक्वल टू थ्री का क्यूब आ गया एंड थ्री कामा टू ले लिया बिलोंग्स टू आर का दिया सिंस थ्री इज़ लेस देन इक्वल टू टू का क्यूब आ गया बट फा ट्वेंटी फाइव कॉमा टू डज नॉट बिलोंग टू आर होगा डज नॉट बिलोंग टू आर होगा सिंस ट्वेंटी फाइव इज नॉट लेस देन और इक्वल टू टू का क्यूब आएगा ओके okay. सो so, यह ट्रांजिटिव के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसलिए कहेंगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ओके आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन देखिए फिफ्थ क्वेश्चन के बाद जस्ट सेवन्थ क्वेश्चन है इसके बाद फिर सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन में है शो देट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवेन बाय आर इज टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कोमाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्वैलेंस रिलेशन तो सोल्यूशन भी यहाँ ले लिया ए एज सेट ए कह दिया दैट इज सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी इन ए कॉलेज ओके अब रिलेशन और जो डिफाइन किया गया ऑल ऑर्डर सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस ये कंडीशन दिया आप फॉर रिफ्लेक्शिव के लिए हम चेक करेंगे एक्स हमने तो लाइब्रेरी का कोई एक बुक ले लिया एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए कह दिया तो एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर होगा सिंस एक्स एंड एक्स हैज द सेम नंबर ऑफ बुक्स ओके सेम बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेजेस हो गए देयर फोर आर इज रिफ्लेक्सिव हम कह लेंगे ओके okay, अब नौ फोर ट्रांजिटिव के लिए हम ले लेंगे दो बुक्स ले लिया दैट इज़ उससे ऑर्डर पेयर बना एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर इस दोनों बुक के एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस ओके अगर एक्स एंड वाई आर का एलिमेंट है तो हम ये कहेंगे एक्स एंड वाई दोनों बुक में सेम नंबर ऑफ़ पेजेस हो गए अब अगर एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ़ पेजेस हैं दैट इज़ इसका कह सकते वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस देयर फोर कहेंगे वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर आ जाएगा देर फोर आर इज सिमेट्रिक रिलेशन आ गया एंड फोर्थ ट्रांजिटिव के लिए हम ये कह लेंगे एक ऑर्डर पेयर लिया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर 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 एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर का ये मीनिंग हो गया एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर है तो वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस आ गया अच्छा एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस देयर फोर एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ नंबर ऑफ पेजेस आ गया ओके देयर फोर हम कहेंगे एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर आ गया देट इज़ आर इज़ ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे हेंस आर इज एंड इक्वैलेंस रिलेशन जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो उस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन ओके अब क्वेश्चन सिक्स में देखेंगे शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिस गिवन बाय आर इज कल टू वन कोमा टू टू कामा वन इज सिमेट्रिक बट नाइ द रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव तो यहाँ सोल्यूशन में लिख लेंगे यहाँ गिवन सेट है वन टू थ्री दिया हो आर को जो लिया है दैट इज वन कोमा टू टू कोमा वन आर के सारे एलिमेंट यहाँ दिए हुए हैं तो और ईजी हो जाता है इससे बताना फोर रिफ्लेक्सिव देखेंगे वन बिलोंग्स टू ए है बट वन कोमा वन डज नॉट बिलोंग टू आर है वन आर में ये प्रजेंट नहीं है इसलिए हम कहेंगे कि ये आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव कह लेंगे अब फोर सिमेट्रिक के लिए हम ये एक एलिमेंट ले लिया दैट इज़ वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर एंड इसके है ना सिमेट्रिक में दैट इज टू कोमा वन ऑल्सो बिलोंग्स टू आर तो हम कहेंगे आर इज सिमेट्रिक रिलेशन ओके बट फोर ट्रांजिटिव आपके लिए फोर ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर दैट इज एमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा सी दैट इज टू कोमा वन बिलोंग्स टू आर बट वन कोमा वन इससे जो बना ए कामा सी दैट इज वन कमा वन डज नॉट बिलोंग टू आर होगा ये प्रेजेंट नहीं है आर में इसलिए हम कहेंगे आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ओके ओके थैंक यू